much loved chemistry of the Aashiqui 2 co-stars Shraddha Kapoor and Aditya Roy Kapoor is said to bring back its magic in the upcoming movie OK Janu, releasing on the 13th of January 2017. Unhone apni movie ke bare mein ki kai sari baatein, and let's see what they have to say. सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे OK Janu किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को ब्रीफ करते हैं। ओके मैडम आप बोलो नहीं नहीं आप स्टार्ट अरे स्टार्ट तो ओके जानू जो है इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म ओके कनमणि एंड लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है एंड जो दो कैरेक्टर्स हैं आदि एंड तारा हम काफ़ी क्लियर है फिल्म में कि हम शादी नहीं करना चाहते एंड लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं सो इट्स हमारे दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी करियर ओरिएंटेड है हम दोनों को बाहर जाके काम करना है शी वांट्स टू गो टू पेरिस आई वांट टू गो टू अमेरिका तो हम एक रिलेशनशिप में है पर उनको एक नाम नहीं देना चाहते हैं उसको एक यू नो एक परमानेंट कमिट नहीं करना चाहते एक दूसरे को बिकॉज वी वांट टू वी हैव बिग एस्पिरेशंस तो इसलिए हमारे मूवी का टैग लाइन है फिगर आउट कर लेंगे क्योंकि दीज पीपल आर ऑल्सो फिगरिंग इट आउट अच्छा इसके अलावा आशिकी 2 के लंबे समय के बाद ये जोड़ी फिर से स्क्रीन पर आने वाली है तो इतना लंबा समय क्यों लगा और ऑडियंस काफ़ी मतलब चाहती थी कि आप दोनों साथ में हैं तो इतना लंबा समय क्यों लगा सिर्फ यही स्टोरी की आई थिंक गैप देना भी ज़रूरी है क्योंकि इफ़ वी कीप कमिंग ईयर आफ्टर ईयर विद एवरी फिल्म तो शायद लोग बोर भी हो सकते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव अ बिट ऑफ अ गैप बट एक्चुअली ये रीज़न नहीं थी हम दोनों को ऐसी कोई फिल्म या स्क्रिप्ट ऑफर नहीं हुई थी नहीं हुई थी जिस दोनों को पसंद आई पसंद आई हाँ तो वी फेल्ट कि ये फिल्म हम दोनों के लिए परफेक्ट थी क्योंकि ये आशिकी से काफ़ी अलग फिल्म है एंड वी वर गेटिंग अ चांस टू ट्राई समथिंग न्यू एज अ कपल ओके कलमाडी जो है काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी तो कहीं ना कहीं प्रेशर था मतलब किरदार प्ले करने से पहले कि काफ़ी अच्छा कर चुकी है पहले फिल्म तो इस बात को लेकर कितना प्रेशर था और कितनी मेहनत की इस किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन थी आई थिंक उस वजह से क्योंकि वो सुपर हिट फिल्म थी हमको एक कॉन्फिडेंस भी मिली थी कि ये फिल्म एक्सेप्ट हुई है साउथ में लोगों को पसंद आई है तो वी गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दैट वी फेल कि यार इट्स बेटर देन मेकिंग अ रीमेक ऑफ अ फ्लॉप फिल्म बिकॉज आपको पता है कि ऑलरेडी इट्स बीन एक्सेप्टेड ओवर एंड अबव दैट ऑफकोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट कोई भी फिल्म हो जब आप शुरुआत कर रहे हैं प्रेशर तो है ही नर्वस हर एक एक्टर आई थिंक फील करता है डायरेक्टर फील करता है जो इम्पॉर्टेंट है आई थिंक तो दिस वॉज नो डिफरेंट बट डेफिनेटली लोगों को ओके कनमणि बहुत पसंद आई दे लव दैट फिल्म लोग तो कंपेयर करने ही वाले हैं दैट यू कॉन्ट स्टॉप एंड वो नेचुरल है बट आई होप कि वी जस्ट मीट आवर ओन एक्सपेक्टेशंस Absolutely, पर लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि प्रेशर एक्चुअली हर फिल्म के साथ यू फील इट यू फील कि यू नो डेफिनेटली जो ऑडियंसेस है वो एक एक्सपेक्टेशन रखती हैं यू नो दे होप कि आप दोबारा उन्हें एंटरटेन कर पाए एंड तो वो एक्चुअली हर फिल्म के पहले तो प्रेशर इज़ डेफिनेटली देयर फिल्म की कहानी जो है लिविंग रिलेशनशिप पे है तो आप दोनों इस बात में कितना बिलीव करते हैं आई थिंक ये कुछ सही या गलत नहीं है आई थिंक ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप पे इतने फिल्में बन रही हैं क्योंकि ये सोसाइटी में ये चीज़ अभी हो रही है पीपल आर लिविंग इन विद ईच अदर मोर एंड मोर एंड आई थिंक इसलिए डायरेक्टर्स एंड राइटर्स आर राइटिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रहे हैं एंड कोई कोई के लिए ये वर्कआउट हुआ है एंड फॉर सम पीपल इज़ नॉट वर्कड आउट बट आई डोंट फील कि ये नेगेटिव चीज़ है एंड आई डोंट बिलीव कि इससे शादी से कुछ लेना देना है यू नो इफ पीपल वांट टू गेट मैरिड दे गेट मैरिड इफ दे वांट टू लिव इन विद ईच अदर एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने के लिए साथ में रहना चाहते हैं तो आई फील देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट आई एक्चुअली अग्री विथ हिम जो इन्होंने कहा मैं बिल्कुल इन अग्रीमेंट हूँ इस बात से आई थिंक कि हमारी फिल्म के थ्रू ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाएगा जो नसीर सर है और लीला मैम है उनके भी कैरेक्टर्स जो है उनके वो कैसे देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप को हम दोनों कैसे हमारे कैरेक्टर्स कैसे देखते और वो दोनों एक बहुत ही लविंग और सक्सेसफुल शादी में है तो जी वी ऑब्जर्व देयर कैरेक्टर्स दे ऑब्जर्व अस या
अच्छा, इसके अलावा लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड हो या फिर ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपकी लाइफ में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, कोई ऐसा कोई किस्सा जो शेयर करना चाहे आप? नहीं, एक्चुअली आई थिंक हम वी बोथ नेवर बीन इन अ लिव इन रिलेशनशिप बिफोर, तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस होने के बाद ही मैं कुछ बोल पाता, बाद ही पता चलेगा. यस, लाइक यू सेड अर्लियर, यू नो मेनी फिल्म मेकर्स आर मेकिंग यू नो ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एंड नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, सो डू यू थिंक ओके जानू विल यू नो कम आउट एज अ विनर अमंगस्ट ऑल द अदर फिल्म्स दैट आर देयर, और डू यू थिंक इट विल यू नो बी रिडंडेंट इन दैट वे? No, I think I'll tell you why I think it's not redundant is because it's doing it, it's not doing, the film is not only about a live-in relationship, it's actually a love story. They just so happen to get into a live-in relationship at some point in the film and it's not being made a big deal about it. We're not preaching about this is wrong or see how modern we are, see how, what happens when you are in a live-in relationship. It's just a very matter of fact way. It's also done very respectfully. You know, it's, we've taken the permission of the older couple. It's kind of a new take on it, and it's not making a big deal out of it. To actually reduce the film to talking about it only in terms of it being a live-in relationship is actually wrong. It's more about a love story. They happen to live in together. इसके अलावा फिल्म का जो plus point था वो music था, जो जिसने काफी मुकाम अच्छे हासिल कर लिया है, तो music के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का कितना बड़ा part है इस फिल्म का खास करके? Well, definitely जब आपके पास ए आर रहमान सर है, गुलजार साहब लिरिक्स लिख रहे हैं उनके, एंड यू नो ही इज़ दिस टीम दैट यू हैव, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमें इस टीम में शामिल किया गया है. एंड मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ रहमान सर की, एंड बहुत अच्छा लगता है जब यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ लव, आपको प्यार मिलता है अपनी फिल्म के लिए, म्यूजिक के लिए. डेफिनेटली अच्छी फीलिंग तो होगी. या आई थिंक, और तीनों गाने काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से. यू नो ओके जानू एक सेलिब्रेटरी सॉन्ग है, फुल पावर सॉन्ग है. हम्मा एक ग्रूवी ट्रैक है, एना सोना एक लव सॉन्ग है. तो आई थिंक लोगों को ये भी पसंद आया कि दे आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स टू लिसन टू. इसके अलावा आप दोनों का कोई फेवरेट गाना जो आप अगर दो लाइनें ऑडियंस के लिए बोल जाए आपकी आवाज़ में? हाँ, ये एक्चुअली मैं कहती जा रही हूँ कि ये बहुत अच्छा गाते हैं. एंड पर मैं गिटार के पीछे छुप जाता हूँ. आज नहीं है गिटार तो मैं नहीं गा पाऊँगा. बट विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म? मेरा फेवरेट गाना फिल्म में से है इन्ना सोना. मेरा टाइटल ट्रैक, और दोनों नहीं गा पाएंगे क्योंकि बहुत टफ है. एक तो अरिजीत सिंह ने गाया है, जो आई थिंक श्रद्धा की आवाज़ में थोड़ा सा आई थिंक नहीं हो पाएगा. मैं खराब कर दूंगी गाने को. ये भी क्वेश्चन बहुत ही टफ है क्योंकि दोनों गाने बहुत अच्छे हैं. आप कैसे पूछ सकते हैं कि ओरिजिनल हम्मा अच्छा लगा या हमारा? बट मुझे तो लगता है कि ये नया हम्मा जो है द हम्मा सॉन्ग, वो ओरिजिनल हम्मा की वाइब से बहुत ही डिफरेंट है. द ओरिजिनल सॉन्ग इज फुल ऑन यू नो पागलपन एंड फुल पावर एंड मैडनेस एंड क्रेजीनेस विच इज अमेजिंग. एंड द न्यू हम्मा सॉन्ग इज अ लिटिल मोर ग्रूवी एंड लिटिल मोर बेसी एंड यू नो इट्स गॉट रैप. तो आई थिंक इतने डिफरेंट है एक दूसरे से कि दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग. सो आई लव बोथ. डिड यू सी आई डू सलमान एंड नित्या मेनन व्हेन दे परफॉर्म? डिड यू टेक एनी इंस्पिरेशन और एनीथिंग दैट यू टुक बैक फ्रॉम द ओके कनमणि? If we took a lot from OK Kanmani, क्योंकि हम दोनों को वो फिल्म बहुत पसंद आई. वी लव दैट फिल्म, दैट्स द रीजन वी डिड दिस. एंड वी वर इन ऑल ऑफ द परफॉर्मेंसेज. तो आई थिंक वी हैड अ लॉट टू सी. देखिए, उनकी परफॉर्मेंसेज को रेप्लिकेट करना आई थिंक वो थोड़ा फूलिश होता क्योंकि वी ऑल ब्रिंग आवर ओन पर्सनैलिटीज टू आर रोल्स. पर टू ट्राई एंड कैप्चर द एसेंस ऑफ व्हाट द बोथ ऑफ देम डिड वाज आवर जॉब, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू. As long as the film is releasing, we are happy with it. Yeah. I actually haven't been in touch with Chadu, know ki kya kya kata hai kya nahi. But four cuts, yeah, I guess I would have thought there should be no cuts, but it's okay. So what was the experience with Shahid Kapoor? And who? Shahid Ali. I heard something. Shahid Ali. Yeah, I heard Shahid Ali. वो भी एक अच्छा नाम है. Shahid Ali. My experience with working with Shahid Ali. तो actually जब मैं शाहिद से मिली थी, and this was I think before
ओके जानू एंड एवरी थिंग. मैंने उनसे कहा था कि मुझे उनकी साथिया फिल्म एंड बंटी और बबली बहुत पसंद है एंड आई लव दोज मूवीज़ एंड डेफिनेटली एक जो मेरा एक मेंटल लिस्ट है ऑफ डायरेक्टर्स टू वर्क विथ उनका नाम उसमें था. तो बहुत अच्छा लगा जब ही ऑफर्ड मी ओके जानू एंड इट्स बिन अ ब्लास्ट वर्किंग विथ हिम. उनका जो एनर्जी है सेट पे वो बहुत ही कंटेजियस है, बहुत एनर्जेटिक है वो सेट पे, तो पूरा जो उनकी एनर्जी है वो स्प्रेड हो जाती है सब में, सो इट्स ग्रेट. या एज एन एक्टर वो आपको बहुत फ्रीडम देता है एंड ही मेक्स यू फील कि यू शुड बी स्पॉन्टेनियस. ही वॉन्ट्स यू टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड एज एन एक्टर आप कभी ये नहीं फील कर रहे हो कि आप यू आर बींग जज, यू गोना बी लाफ्ड एट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर. एंड व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? शाद एंड नसीर सर. तो क्या कहां से शुरू करें? जब हम काम कर रहे थे उनके साथ ऐसे लग रहा है कि हम स्कूल पे जा रहे हैं, वी आर जस्ट देयर टू लर्न समथिंग. क्योंकि वो नहीं, क्या है कि ही इज सच अ सीनियर एक्टर, वो बहुत ही प्रिपेयर्ड आते हैं सेट पे. यू नो ही नोज व्हाट द सीन इज अबाउट, एवरीथिंग. वो बहुत ही कम्स वेरी प्रिपेयर्ड एंड दैट वाज समथिंग आल्सो टू लर्न. एंड वो जानते हैं कि जब वो कोई जूनियर आर्टिस्ट जूनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू बी इंटिमिडेटेड ऑफ हिम. और वो शायद वो सीन के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है बिकॉज ऑन स्क्रीन यू आर नॉट सपोज टू बी. तो वो यू नो ही मेक्स द मूड अराउंड द सेट वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी कि एवरीवन फील्स कि वेरी कंफर्टेबल अराउंड हिम. बट टेंशन तो होता है. अब नसीर सर के सामने बैठ के आप डायलॉग बोल रहे हो, यू वांट टू ट्राई रिहर्सल एंड से यस सर, इट्स क्वाइट अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हमने फिल्मों में देखा है कि वो कितने बेहतरीन एक्टर है और जब आप एक्चुअली देखते हैं कि आप उनके साथ शूट कर रहे हैं एंड यू डूइंग अ सीन विथ हिम, सो यू एक्चुअली गेट टू सी कि यू नो वो इतने एफर्टलेसली कमाल की एक्टिंग कर लेते हैं. डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है मेरे लिए. मेरी लास्ट फिल्म फितूर नहीं चली एंड दावत ऑल्सो डिडंट डू सो वेल. तो फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है और एट द एंड ऑफ द डे आपकी फिल्म यू नो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस तो होना ही चाहिए. तो आई फील कि एवरी फिल्म इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई फील डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं वो सही है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म फॉर मी, तो जस्ट होप दैट इट वर्क्स. सर लास्टली, बॉलीवुड में एक बड़ा सितारा खो दिया है ओम पुरी जी, तो उनके बारे में अगर एक एक करके कुछ कहना चाहे आप. वेल डेफिनेटली इट्स इट वाज अ सडन न्यूज़ एंड शॉकिंग न्यूज़ टू हियर. एंड I had the honor to work with him in two films actually, in London Dreams and in Action Replay. And I just remember being blown away by what an amazing actor he was and how lovely he was to be around. Yeah, and I've heard you know bahut log great sense of humor jo unse milte the would say that ki he used to be a very happy, nice, energy, lovely person, very funny and very and everyone knows how amazing an actor he is. So we've lost a great and I wish hope his family finds peace. That's all. Thank you guys. Hi, this is Yami Gautam and this is Pulkit Samrat and you're watching us on BollywoodBubble.com.